हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिससे हम जब दूध गर्म करते हैं तो वो दूध कभी भी नहीं फटेगा। सबसे पहले तो जब आप दूध का पैकेट बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके पीछे में एक्सपायरी डेट दी होती है, उसे हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें लिखा है यूज 26 तारीख दी है, तो उससे पहले इसे यूज करना होता है। कभी कभी कैसे हो जाता है, शॉप्स में उनसे बाय मिस्टेकली वो पुराना पैकेट भी दे देते हैं, तो वो दूध गर्म करते वक्त फट जाता है, इसलिए हमें उसकी डेट देख लेनी चाहिए। अगर आप मेरी तरह फ्रीजर में दूध एक्स्ट्रा पैकेट स्टोर करके रखते हैं, तो 3 से 4 घंटे पहले आप फ्रीज से निकाल ले, उसे एक बर्तन में पानी के अंदर डुबा के रखे, जिससे वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। दूध गर्म करने के लिए हम जब भी कोई बर्तन ले तो हम उसे दूध गर्म करने से पहले एक बार फिर से अच्छे से वॉश कर ले, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया है। दूध गर्म करने के लिए बर्तन को गैस पर चढ़ाते हैं, तो उसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल दें। इससे क्या होता है, जब दूध गर्म होता है तो वो नीचे से जलता नहीं है। दूध गर्म करने के लिए हमें हमेशा मोटे तले का बर्तन ही यूज करना चाहिए। पतले तले का होने से आप उसे कितनी भी धीमी आंच पर गर्म करें, पर आपका दूध नीचे से जल ही जाता है। दूध गर्म करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस बर्तन में हम दूध गर्म करते हैं वो मोटे तले का होना चाहिए। पतले तले का होने से हम कितनी भी धीमी आंच में दूध गर्म करें, पर दूध नीचे से उस बर्तन में लग ही जाता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें दूध को डाल देंगे। दूध के पैकेट को आप जब भी ले, इसे आप पहले अच्छे से एक बार पानी से धो ले, और उसके बाद कट करके बर्तन में खाली करें। दूध के पैकेट को बाहर से अच्छे से वॉश करके फिर हमने उसे कट करके बर्तन में डाल दिया है दूध को। इससे क्या होगा, अगर बाय चांस दूध की थैली में बाहर से कुछ लगा होगा तो वो भी साफ हो जाएगा और उससे दूध नहीं फटेगा। जब भी हम दूध गर्म करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ में हम कभी भी तेल वाली या मसाले वाली कोई भी चीज नहीं पकाए, क्योंकि तेल वाली मसाले वाली चीजों का छींटा उड़ने से, तेल मसाले दूध में जाने से भी दूध फट जाता है। दूध को हमेशा धीमी आंच में ही गर्म करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध गर्म होने लगा है, तो हमने उसके ऊपर इस तरह से एक चम्मच को रख दिया है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब अगर आप दूध गर्म करते करते कुछ और भी काम कर रहे हो, तो जब भी दूध गर्म होगा तो चम्मच से टच होकर वो फिर से बर्तन में नीचे चला जाएगा, नीचे गैस पर नहीं गिरेगा। यहाँ पे दूध अच्छे से गर्म हो चुका था, मैंने गैस को बंद कर दिया है। गर्म दूध को कभी भी हमें पूरी तरह से ढकना नहीं चाहिए, इस बात को आप याद रखिए। गर्म दूध को ढकने से दूध फट सकता है, इसलिए हमें इस तरह से जालीदार प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्लेट को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इससे मैं अभी इसे कवर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्ते।